हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल स्टार्ट आवर लेसन 7 फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। ठीक है, और इसके पोएट है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। आज हम इस पोएट के बारे में और पोएम के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले अबाउट द पोएम देख लेते हैं। पोएट है कौन? टेनिसन वाज बोर्न एट सम रेस्ट इन लिंकनशायर। ये यहाँ पे पैदा हुए थे लिंकनशायर में, लिंकनशायर के समरेस्ट में। ही वाज द सन ऑफ जॉर्ज टेनिसन, रेक्टर ऑफ प्लेस। एक पद होता है रेक्टर ऑफ प्लेस, उनके जॉर्ज टेनिसन साथ। इनके पिताजी का नाम क्या था? जॉर्ज टेनिसन। हिज फादर एंड टू एल्डर ब्रदर वेर वेल नोन पोएट्स ऑफ हिज टाइम। इनके पिताजी और इनके दो बड़े भाई दोनों लोग अपने समय में एक अच्छे जाने माने पोएट्स थे। ही वॉज एजुकेटेड एट ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में। कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में अपना शिक्षा लिए थे। एट कैम्ब्रिज टेनिसन केम इन कॉन्टेक्ट विथ ए एच हैलम, ऑन हूज दे टेनिसन रोट हिज फेमस एल्जिन मेमोरियम। तो क्या कह रहे, कैम्ब्रिज में टेनिसन किसके संपर्क में आए थे? ए एच हैलम पे। और उनकी मृत्यु पर टेनिसन ने, ए एच हैलम के मृत्यु पर टेनिसन ने एक बहुत ही फेमस एल्जी इन मेमोरियम लिखा, जो 1850 में पब्लिश हुआ था। ही वॉज एवार्डेड द चांसलर मेडल्स इन 1829 फॉर हिज पोएम टिम्बुकटू। अर्थात तो वे चांसलर के मेडल से सम्मानित हुए 1829 में उनके इस पोएम के लिए। ठीक है, उसके बाद टेनिसन इज रिनाउंड फॉर बीइंग द मोस्ट रिनाउंड, मतलब प्रसिद्ध थे फॉर बींग द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। तो कह रहे हैं कि ये विक्टोरियन एज के बहुत ही प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधित्व, विक्टोरियन एज को प्रतिनिधि करने वाले, ये बहुत ही प्रतिनिधित्व करने वाले पोएट थे। ठीक है, एंड इट्स अ ग्रेट इंटरप्रिटर। इंटरप्रिटर मतलब होता है व्याख्या करना भाषाओं की, दो भाषाओं की। ठीक है, हिज कंटेम्प्रेरीज लव्ड, उनके जो साथ थे, साथी थे, वे उनसे बहुत प्रेम करते थे। हिज नोटेबल पोएटिक कलेक्शन, इनके कुछ पोएटिक कलेक्शन है, जैसे द प्रिंसेस आइडल्स ऑफ द किंग एंड मॉड, द हिज मेमोरेबल पोएम्स ब्रेक ब्रेक ब्रेक, आइडल टीयर्स। ठीक है, ये कुछ इनके पोएम हैं। देखिए, इन्हें पोएट लॉरेस्ट मतलब राष्ट्रकवि का भी दर्जा मिला था विलियम वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद इन्हें राष्ट्रकवि का भी दर्जा मिला था। ठीक है, और उनकी शादी एमिली सेलवुड नाम की एक महिला से हुआ था। देखिए, टेनिसन वाज अ ग्रेट पोएट एंड लिरिसिस्ट, वो एक बहुत ही बड़े पोएट और लिरिसिस्ट थे। हिज पोएट्री रिवील्स हिज वाइड आउटलुक एंड हिज पेनिट्रेटिंग सिंपैथी फॉर ह्यूमन। पेनिट्रेटिंग मतलब होता है मर्मज्ञ। ठीक है, पेनिट्रेटिंग मतलब होता है मर्मज्ञ, सिंपैथी फॉर ह्यूमैनिटी मतलब उनकी मानवता के प्रति जो उदारता थी उसको, और उनकी जो विस्तृत दृष्टिकोण था उसको उनकी पोएट्री जो भी थे वो उजागर करते हैं। ठीक है, आइए अब हम थोड़ा सा अपने पोएम के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कह रहे हैं दिस पोएम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज लॉन्गर पोएम मॉड द अर्थर। ठीक है, तो ये इनका पोएम मॉड द अर्थर एक बड़ा पोएम था, जिसके कुछ अंश आपके पोएम में लिए गए हैं, आपके चैप्टर में लिया गया है। पोएम की कहानी क्या है? पूरा नहीं है क्या? देखिए, थोड़ा सा देखते हैं। द वुंडेड किंग इज गोइंग ऑन हिज मिस्टीरियस, एक मिनट। ठीक है, ये देखते हैं क्या दिस पोएम इज, ये एक इनके बड़े पोएम मॉड द अर्थर से लिया गया है, जिसमें किंग अर्थर के बारे में पूरी जीवनी इन्होंने लिखा है। इसमें क्या बताते हैं कि द वुंडेड किंग, इस अब किंग वुंडेड हो गया, वुंडेड मतलब घायल, किंग आर्थर इज गोइंग ऑन हिज मिस्टीरियस जर्नी। जो किंग है वो एक अपने रहस्यमयी जर्नी पे जा रहे हैं। ही बिड्स गुड बाय टू हिज
फेवरेट नाइट वीडियो, वो बीच में अभिवादन होता है, गुड बाय, अपने फेवरेट नाइट वीडियोर को गुड बाय कर रहे हैं। आइए इसके पहले थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं ना, क्या होता है कि ये घायल कैसे हो गए। देखिए ये राजा जो थे, पोइट जो, ये किंग आर्थर थे, उन्होंने एक सिस्टम, कुछ नाइट्स का, नाइट मतलब था योद्धा, कुछ योद्धाओं की ग्रुप बनाई थी। आई इसको अंग्रेजी में जानते ना, तो क्या होता है जैसे पोइट क्या क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं कि द वुंडेड किंग आर्थर इज गोइंग विथ हिज थ्री क्वीन ऑन हिज मिस्टीरियस जर्नी, कि जो पोइट थे, सॉरी जो किंग आर्थर थे, वो अपने तीन रानियों के साथ, तीन रानियों के साथ एक रहस्यमय जर्नी पर जा रहे हैं। और किंग आर्थर हैड स्टार्टेड, किंग आर्थर ने एक सिस्टम, एक प्रणाली, प्रथा शुरुआत की थी, किसकी, ऑफ नाइटहुड, मतलब वीरों का एक प्रणाली शुरू किया था, प्रथा शुरू की थी, ऑफ राउंड टेबल, नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल, मतलब ये इनके जो भी ग्रुप था, इनका नाम था कि नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल, ठीक है, ये चालू किए थे। और ये करते क्या थे, द नाइट हेल्प, जो भी नाइट थे, जो भी योद्धा लोग थे, वे करते क्या थे, ये योद्धा लोग गरीब और कमज़ोरों की सहायता करते थे, और इन गरीब लोगों का, जो कमज़ोर लोगों का, दुष्ट लोगों से इनका रख रखाव करते थे। आखिर में कुछ दुश्मनों से इनका लड़ाई हो जाता है, और धीरे धीरे ये प्रथा जो थी, जो इन्होंने प्रचलन चालू किया था गरीबों की मदद करना, ये भी क्या होता है कि इनके जो भी नाइट्स से योद्धा थे, धीरे धीरे कुछ लोग तो चले गए छोड़ के इनके ग्रुप को, और कुछ लोग तो मर गए, कुछ लोग भाग गए, ऐसे लड़ते लड़ते अंत में बचते हैं बस वीडिवर। तो ये जब ये किंग राजा भी घायल हो जाते हैं, तो वो अपने इस लास्ट लॉयल वीडिवर को कहते हैं कि तुम भी इसे छोड़ दो, कि क्या छोड़ दो, इस ग्रुप को, क्योंकि चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। देखिए अभी आप देखते हैं, ही बिड्स गुड बाय टू हिज फेवरेट नाइट, वो अपने फेवरेट योद्धा को बाय बोलते हैं, गुड बाय कहते हैं, फेवरेट नाइट बिडिवर को गुड बाय बोलते हैं। ही स्पीक्स टू बिडिवर इन अ लो वॉइस, वो बिडिवर से बात करते हैं इन अ लो वॉइस, बहुत धीमी आवाज़, क्योंकि वो घायल थे इसलिए उनकी आवाज़ आ नहीं रही थी, इसलिए वो बहुत धीमी आवाज़ में बोल रहे थे। अब कह रहे हैं चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, कि जो परिवर्तन होता है वो प्रकृति का नियम होता है। चेंज इज लॉ ऑफ नेचर एंड चेंज इज नेसेसरी इन द वर्ल्ड, ना, और परिवर्तन जीवन में बहुत ही आवश्यक होता है। अब देखिए बता क्या रहे हैं, वन थिंग डज नॉट रिमेन सेम एट ऑल टाइम्स, मतलब कोई भी चीज़ हर समय एक जैसे ही नहीं रहती है, कोई भी चीज़ हो या कोई वस्तु या कोई इंसान हो, वो हर समय एक ही जैसे नहीं रहती है। द ओल्ड सिस्टम चेंज, जो पुरानी प्रथाएं होती है वो बदलती हैं, एंड न्यू सिस्टम्स टेक देयर प्लेस, और जो नई नई प्रथाएं होती है वो उनका स्थान लेती हैं, मतलब पुरानी जो भी पुराने पद्धतियां थे, पुराने प्रणाली होते हैं वो बदलते हैं, और नए नए जो सिस्टम होते हैं वो उनका स्थान लेते हैं। अब इसके बाद पोइट कह रहे हैं, इवन अ गुड सिस्टम मे बी हार्मफुल, कह रहे हैं एक अच्छी प्रणाली, कोई एक अच्छा प्रथा हो, वो भी हार्मफुल हो जाता है, क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है, हानिकारक हो जाता है इन अ लॉन्ग रन, मतलब अगर वो लंबे समय तक चलती रही, कोई प्रथा लंबे समय तक चलती रही, तो इफ अ चेंज इज नॉट ब्रॉट इन इट इन ड्यू टू कोर्स, मतलब समय के साथ अगर उसमें थोड़ा भी बदलाव नहीं आया, तो वो भी बहुत ही हानिकारक हो जाती है। क्या कह रहे हैं पोइट की एक अच्छी प्रथा भी, अगर अच्छी प्रथा अगर लंबे समय तक चलती रही, अगर उसमें थोड़ा भी बदलाव ना आए, तो वो भी क्या हो जाता है, तो वो भी बहुत ही हानिकारक हो जाता है। वन गुड सिस्टम एक अच्छी, ये तो हो गया सॉरी नहीं सही वन गुड सिस्टम एक अच्छी सिस्टम अगर इफ़ इट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर ये लंबे समय तक लगातार चलती रहती, मे स्पॉइल द होल वर्ल्ड, कोई सिस्टम है, कोई प्रथा है, ये अगर लंबे समय तक चलती रही, तो ये पूरे संसार को बर्बाद करके रख देगी। जैसे क्या होता है, जैसे ये
हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे दहेज प्रथा थी पहले ये अच्छी रही होगी, लेकिन ये लंबे समय से चलती आई और उसमें कोई बदलाव नहीं आया, परिवर्तन नहीं आया, तो ये आज एक भ्रष्टाचार है, ये पूरे संसार को हमारे बर्बाद करके रख दे रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि मतलब परिवर्तन तो ज़रूरी होता है और इसके जगह पर कोई और सिस्टम आनी चाहिए। ठीक है, इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर। इस पोएम में पोएट क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या व्यक्त कर रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के महत्व को ये बता रहे हैं, एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन, और भेद कर रहे हैं, बता रहे हैं, मतलब भेद कर रहे हैं, क्या भेद कर रहे हैं, बिटवीन मैन एंड एनिमल, की मतलब मनुष्यों और पशु में क्या अंतर होता है, इसका भी बता रहे हैं। एनिमल हैव नो ब्रेन, जो जानवर होते हैं उनमें ब्रेन नहीं होता है, दिमाग नहीं होता, बुद्धि नहीं होता है, दे कैन नॉट यूज़ देयर रीजनिंग पावर, जो जानवर है वो अपने रीजनिंग पावर का प्रयोग कर नहीं सकते हैं, दे हैव नो नॉलेज ऑफ गॉड, उन्हें भगवान का कुछ पता नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, बट मैन नोज इट, लेकिन मनुष्य जो है वो उसे जानते हैं। सो वी शुड प्रे टू गॉड फॉर आवर सेल्फ एंड फॉर आवर फ्रेंड। आगे पोएट कह रहे हैं कि इसलिए हमें अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, तो इसीलिए हमें अपने लिए और अपने हमारे मित्रों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, सो वी शुड प्रे टू गॉड, इसलिए हमें भगवान की प्रेयर करना चाहिए हमारे लिए और हमारे फ्रेंडों के लिए। प्रेयर इज़ व्हाट वी डू आउट ऑफ अफेक्शन, प्रेयर क्या है, पोएट कह रहे हैं प्रेयर वो है जो हम अपने अफेक्शन से, अपने स्नेह से करते हैं। इट इज़ ए अफेक्शन दैट, ये एक ऐसा स्नेह है जो हमें जोड़ता है विद गॉड, भगवान से, मतलब प्रेयर ही एक ऐसी चीज़ है जिसे हम भगवान से जुड़ते हैं, अर्थात हम प्रेयर के द्वारा ही भगवान से जुड़ते हैं। इन दिस पोएम टेनिसन शोज फॉर्म फेथ इन गॉड एंड प्रेयर। अब लास्ट में इसके बताया जा रहा है कि इस पोएम में जो पोएट टेनिसन है वो अपने फर्म फेथ, दृढ़ विश्वास भगवान में और प्रेयर में बता रहे हैं। द ग्रेटनेस ऑफ गॉड इज़ द मेन आइडिया फ्रॉम द बिगनिंग टू द इन, जो भगवान की महानता का इज़ द मेन आइडिया फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड, मतलब जो भगवान की महानता इस पोएम में शुरू से लेके अंत तक भगवान की महानता का ही वर्णन बताया गया है। द गॉड इज सुप्रीम मास्टर, गॉड इज द सुप्रीम मास्टर, गॉड इज सर्वोत्तम, सर्वोपरि मास्टर, सबके मालिक है। ही फुलफिल हिमसेल्फ इन मेनी वे, वो अपने जो भी काम होता है उसका, अपने भी कोई भी चीज़ का फुलफिल किसी कई तरीक़ों से करते हैं। मिरकल्स एंड वंडरस फीट्स आर रॉट बाई प्रेयर, देखिए मिरकल चमत्कार और चमत्कारी या चमत्कारीपूर्ण फीट मतलब कर्तव्य होता है, आर रॉट लाए जाते हैं या होता है बाई प्रेयर, मतलब प्रार्थना के द्वारा हम प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ संभव है, चमत्कार भी संभव है, रहस्य, ठीक है। तो मतलब प्रार्थना करेंगे कोई भी चीज़ होती है, अगर हम हमारा नहीं होता तो प्रार्थना करने लगते तो वो हो जाता है, जिसकी उम्मीद भी नहीं होता है, असंभव से असंभव काम भी प्रार्थना के द्वारा संभव किया जा सकता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू, वीडियो बहुत ही लंबा जा रहा है इसलिए पोएम कुछ बात हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।